ड्रग्स केस की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की टीम गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के घर मन्नत पहुंची और आर्थर जेल में बंद आर्यन खान से जुड़ी जानकारी मांगी है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा को मन्नत में एक नोटिस एनसीबी की तरफ से दिया गया है। इस नोटिस में आर्यन के एजुकेशन समेत अन्य चीज़ों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स परिवार से मांगे गए हैं। इसमें एनसीबी की तरफ से आर्यन के मेडिकल हिस्ट्री के साथ ही अगर कोई दवा लेते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन देने को कहा है। इसके अलावा विदेश में जहां जहां पर डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं। एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इससे पहले सुबह शाहरुख खान आर्थर रोड में आर्यन खान से मिलने के लिए पहुंचे थे। वह वहां पर करीब 15 मिनट रुके और उसके बाद बिना मीडिया से बात किए हुए वापस लौट गए। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि शाहरुख खान ने अपने बेटे के साथ 15 से 20 मिनट बिताए। दोनों के बीच शीशा था और उन्होंने इंटरकॉम पर बात की। बातचीत के दौरान 4 सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। अधिकारी ने बताया कि अभिनेता को जेल नियमावली के तहत उनके बेटे से मिलने की अनुमति दी गई और उन्हें कोई विशेष सहूलियत नहीं दी गई। शाहरुख के वहां पहुंचने पर कई मीडियाकर्मी और स्थानीय लोग जेल के बाहर एकत्रित हो गए थे। जेल परिसर के बाहर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई थी।